due and radiations within. So today, continuing with the discussion, we will be starting with the determination of the Planck's constant. This is 24th today. Let us begin with the determination of Planck's constant. Determination of Planck's constant from frequency versus stopping potential graph. Frequency versus stopping potential graph बेटे जब आप draw करते हो आपके पास कुछ इस तरीके का graph जो है ये बन जाता है. ये आपके वर्टिकल एक्सिस है बेटा और इधर आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी न्यू कंसिडर किया. एंड लेट अस इमेजिन दैट हियर ओरिजिन है ये दोनों एक्सिस के लिए और आपका जो ग्राफ इधर अगर आप ले लें बेटे स्टॉपिंग पोटेंशियल वी इन वर्टिकल एक्सिस पे अगर आप इमेजिन कर लेते हैं तो आपका ग्राफ बेटे जो है आप ऑलरेडी ड्रॉ भी कर चुके हो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ जो है ये बन जाया करता है दिस वे. इसको पॉइंट को आप सी पॉइंट कह देते हैं दिस पे. एंड आप यहाँ पे इस बी यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी इस का स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे. अगर इन पॉइंट्स को ए और बी पॉइंट्स कह के इसको एंगल थीटा बोल दोगे आप. एंड लेट अस इमेजिन दैट बेटा ओवर हियर ये पॉइंट आपका एल है ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा वी ये आपके पास डेल्टा न्यू आ जाए. फ्रीक्वेंसी कितनी चेंज कर रहे हो आप इट विल बी देयर. आपने लास्ट टाइम्स बेटा आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन कंप्लीट किया था जिसके अकॉर्डिंगली आपके पास 1/2 mv² जो है दिस इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के बराबर आप जानते ही हैं. और बेटे काइनेटिक एनर्जी जो 1/2 mv² है इट इज इक्वल टू ई वी स्टॉपिंग ये भी आप कर चुके हो. इसकी प्लेस पर मैं अगर ये सब्स्टिट्यूट कर दूं आई विल गेट ई इंटू वी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी इक्वेशन एक तरीके से बन जाता है. ई से आप राइट साइड पे थ्रू डिवाइड कर दीजिएगा दिस इज एच न्यू बाई ई एच न्यू नॉट बाई ई. इसको हम अगर मॉडिफाई करके लिखें दिस इज इक्वल टू एच बाई ई इंटू न्यू माइनस दिस इज वर्क फंक्शन बाई ई एच न्यू नॉट आपका वर्क फंक्शन हुआ करता है दैट्स वाई वी हैव रिटन इट एज फाई नॉट. मैं इस इक्वेशन को दोबारा फिर से एक बार अगर लिखूं बेटे आई विल हैव विद मी वी इज इक्वल टू एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस फाई नॉट बाई ई ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया. इसको अब बेटे आप आपका जो है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इससे कंपेयर कर दीजिए. ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है इसके साथ जब आप कंपेयर करोगे एम विल बी इक्वल टू एच इंटू ई. एम आपका जो होता है यहाँ पे ये स्लोप हुआ करता है आपकी स्ट्रेट लाइन का और यहाँ पे अगर आप स्लोप निकाल लो इस पर्टिकुलर सेटअप से तो स्लोप एम जो होगा इट विल बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा होगा एंड इट विल बी डेल्टा वी बाई डेल्टा न्यू. ये चीज आपके पास हो गई और ये एच बाई ई के बराबर भी है आपका स्लोप. सो एच डिवाइडेड बाई ई जो है इट विल बी इक्वल टू योर
टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा या डेल्टा वी बाई डेल्टा न्यू एच इज इक्वल टू ई टेन थीटा, यहाँ तो ऐसे लिख लो, और अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू ई डेल्टा वी बाई डेल्टा न्यू, ये भी आप ऐसे लिख सकते हो, ये एक ही बात है बेटे लिखने के लिए। सो इन दिस वे हम बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट की जो डिटर्मिनेशन है ये कर सकते हैं। अगर आप देखो ये सी को, ये सी और ये इनको कंपेयर करके देखो, तो आपको सी जो है दिस इज इक्वल टू माइनस फाई नॉट बाई ई के बराबर मिल जाता है, और ये सी आपको क्या दे देगा, इट विल गिव यू द इंटरसेप्ट बेटे। इंटरसेप्ट कितना है आपका, ओ से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है। सो आपके पास बन गया ओ सी इंटरसेप्ट, दिस इज माइनस फाई नॉट बाई ई, फाई नॉट वर्क फंक्शन कितना बन गया माइनस ई इंटू ओ सी, ये आपके पास आपका वर्क फंक्शन फाई नॉट बन जाता है बेटा। सो डियर चिल्ड्रन इन दिस वे आप जो आपका है प्लैंक्स कांस्टेंट इसकी डिटर्मिनेशन कर सकते हो फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल कर्व और ग्राफ बेटे। मैं रिमाइंड करवा दूं आपको एक बार फिर से, ये 3 मार्क्स में आपके CBSE एग्जाम्स में बहुत बार बच्चों पूछा गया है, आपको इसको बड़े केयरफुली ड्रॉ करके डिराइव करके बताना है। तो डियर चिल्ड्रन मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, हम किया क्या है, हमने डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट हमने किया है फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल कर्व। फ्रीक्वेंसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने लिया, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे ये आपको न्यू नॉट इंडिकेट कर देता है। और आप क्या करिए, अब आइंस्टीन इक्वेशन लिखिए डायरेक्टली, 1/2 mv² ev के बराबर होता है, ev लिख दिया, e से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया, आपका v इस फॉर्म में बन गया, और v इस फॉर्म में आपने दोबारा इक्वेशन को रीराइट किया, y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, यहां से आपने m को स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन कह देना है, स्लोप आपका इधर अगर ग्राफ देखोगे तो परपेंडिकुलर ओवर बेस आएगा, डेल्टा न्यू अपॉन डेल्टा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा न्यू या टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा के बराबर आएगा, और आपने कर दिया। और अगर आप ऐसे करोगे तो आपको जो स्लोप है एम, ये एच अपॉन ई इज इक्वल टू टेन थीटा के बराबर मिल गया, यहाँ से आपने एच निकाल लिया, और अगर आप इन दोनों चीजों को कंपेयर करोगे तो आपको इंटरसेप्ट मिल जाएगा, और इंटरसेप्ट आपको जो है आपके वर्क फंक्शन के बारे में इंडिकेट कर देगा। सो इन दिस मैनर बेटे आप इस डेरिवेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। सो सुप्रिया, लक्ष्य, क्षितिज, कुंजोत, इज इट क्लियर बेटा? सुप्रिया, मानविया, लक्ष्य, क्षितिज, कुंजोत, आदित्य, चलिए आगे चलते हैं देन बेटा। ये बेटे मैं थोड़ा आपको इंडिकेट कर दूं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता रहा है एग्जाम्स में। इसके बाद आपके पास आ जाएगा वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ। लेट अस फोकस अपॉन दिस पार्ट, वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ। आइए देखें, वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ, आइए बेटे देखें इसके बारे में डिस्कशन कंप्लीट करके। वेव नेचर of the particle and de Broglie wavelength।
बच्चों वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ के रिगार्डिंग आपने ई एनर्जी एमसी स्क्वायर के बराबर आपने ऑलरेडी बात की हुई है इन द केस ऑफ द फोटॉन्स, इनको आप अगर पार्टिकल इमेजिन करके चलते हो। ऑल्सो ई जो है दिस इज इक्वल टू एच न्यू, कंपेयर करिए दोनों को, एम सी स्क्वायर इट इज इक्वल टू एच न्यू, एम सी स्क्वायर इज एच सी बाई लेमडा, एक सी आपका कैंसल आउट हो जाएगा दोनों तरफ, कैंसल आउट होने के बाद एम सी इज इक्वल टू एच बाई लेमडा, लेमडा इट इज एच बाई एम सी बटे, ये आपको मिल जाएगा एस एच। इसको आप एच बाई पी भी लिख सकते हो, एम इंटू सी आपको मोमेंटम दे देता है। अगर बेटे मैं ये फोटॉन्स का कंसेप्ट जो है पार्टिकल्स के लिए अप्लाई कर दूं तो सी की जगह पे मेरे पास आ जाएगा लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू बी, इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पेशली हम पार्टिकल नेचर की जब बात करते हैं। तो हमने ये हमारा फोटोन का कंसेप्ट जिसमें सी आपको यहाँ पे मिल रहा था इसको बी से रिप्लेस कर दिया और हमारे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड जो है वेव के लिए इट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इनटू वी के बराबर हमें मिल गया। अगर आपके पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो, आई मीन टू से दैट कि आपका पार्टिकल अगर रेस्ट पे है मूव नहीं कर रहा है तो लैम्डा उसका जो है इट विल बिकम इनफाइनाइट बिकॉज समथिंग अपॉन जीरो विल बी इनफाइनाइट। और अगर आपका वी इनफाइनाइट है, वी आपका बहुत ज्यादा बड़ा है तो आपका जो है लैम्डा इट विल बिकम बेटे जीरो। तो दो चीजें हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेस्ट पे है तो ये इसकी वेवलेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी, अगर मूव कर रहा है तो इसकी वेवलेंथ कोई नहीं है, तो हम दोनों पैरामीटर्स में से किसी को भी परफेक्टली जो है वो जज नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज द वे बाई विच वी कैन डिस्कस द डी ब्रॉगली इक्वेशन एंड द वेव नेचर ऑफ द मैटर बेटे और रेडिएशन। सो इसके बाद हमारे पास छोटा सा कंसेप्ट है डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है बेटा, ये हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके साथ कैसे रिलेटेड है। लेट अस विद कंसंट्रेट अपॉन द फैक्ट दैट डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हिच वी आर मेंटेनिंग थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस वी बिटवीन, लेट अस फोकस अपॉन दैट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। आप कैसे इनको रिलेट कर सकते हो लेमडा को और पोटेंशियल डिफरेंस डी को। बच्चों अभी अभी हम कर रहे थे बात हमारे रिलेशनशिप की दैट लेमडा जो है इलेक्ट्रॉन के लिए इट इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी, अभी अभी हमने ये डिराइव किया था बेटे। एक छोटी सी और बात जो आपके इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर जो है ये आपका ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर आप ऑलरेडी कर चुके हो। आप इस टू को राइट साइड पे शिफ्ट कर लीजिए, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2EV, दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एम का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2mEV आ जाएगा जी। आपको जनरली अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें तो आपको m इंटू वी चाहिए होगा, इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2mE V, इसके बराबर होगा ये बेटा। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए वैल्यू, लैम्डा
आपके पास जो है h अपॉन 2 इंटू एम इंटू ई इंटू वी इसके रूट के बराबर आ जाएगा। और बेटे 2 आपका ऑलरेडी कांस्टेंट है, m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये कांस्टेंट है, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बाद e चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है। ये जो सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं इनकी वैल्यूज अगर देखें हम, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 रेस पर माइनस 31 के जी, 1.6 इंटू 10 रेस पर माइनस 19 कूलम्स इसमें पुट कर दीजिए, लेमडा आपके पास आ जाएगा एच, एच की वैल्यू भी डालनी पड़ेगी, एच प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 रेस पर माइनस 34 जूल सेकंड, सारी वैल्यूज डाल दो। वैल्यूज डालने के बाद लेमडा जो है 6.6 10 रेस पर माइनस 34 इन द डिनोमिनेटर टू 9.1 10 रेस पर माइनस 31 1.6 इंटू 10 रेस पर माइनस 19 इंटू वी ऑल अंडर द रूट, ये आपके पास थे, आपका जो इक्वेशन है ये बन जाता है। अब बेटे अगर हम ये सारा सॉल्व करने की कोशिश करें, सॉल्व करने पे हमें बेटा मिल जाएगा, लेट अस सी व्हाट डू वी गेट ओवर हियर, सारी वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, लैम्डा आपके पास आ जाएगा 12.27 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ बी सो मेनी एंगस्ट्रॉम्स, ये आपके पास बेटे जो है वेवलेंथ एंड आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है इनके बीच में ये रिलेशनशिप आपको मिल जाता है। सो ये कभी कभी इसकी एक और फॉर्म भी पूछी जाती है, अगर आप इस ई एन टू वी को ध्यान से देखो इसको आप ई भी लिख सकते हो, तो लेमडा विल बी इक्वल टू 12 नहीं इसको ऐसे लिखेंगे एच अपॉन 2 एम ई अंडर द रूट, ऐसे इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, दिस इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलर फॉर्म विच वी यूज एज सच। एक बार बेटे सीबीएसई में एक इसकी डिफरेंट फॉर्म भी पूछी गई थी, आप लोगों को याद होगा 11th स्टैंडर्ड में आप इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जीज की बात किया करते हो, दैट 1/2 ये आपका जो है एम इंटू वी स्क्वायर टोटल एनर्जी जो है ये बेटे 3/2 के बी टी के बराबर होती है, ये के बी बोल्ट्समैन कांस्टेंट है बेटा, ये 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एम इंटू वी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 3 के बी टी, एम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एम का स्क्वायर वी का स्क्वायर 3 एम के बी टी आ जाएगा, और आप यहां से m इंटू वी निकाल लो, इट विल बी अंडर द रूट 3 एम के बी इंटू टी, ये आ जाएगा जी, ये एम बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लैम्डा आपको जो है एच अपॉन 3 एम के बी टी इसके स्क्वायर रूट के बराबर आपको मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ बेटा हमारे पास दिस इज स्टिल एन अदर फॉर्म ऑफ द वेवलेंथ लेमडा एंड द टेम्परेचर टी जिससे ये आपका डिपेंडेंस शो कर देता है। रिपीट करूंगा बेटे मैं एक बार, सारे स्टेप्स ध्यान से सुन लीजिएगा, आप इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में कर क्या रहे हो, आपने डी ब्रॉगलाई वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेट करना है। पहली बात तो यह है कि ये एज सच बहुत बार पेपर में पूछा गया है, ये एज सच पूछ लिया जाता है, अगर ऐसे ना पूछा जाए तो इसके ऊपर बेस्ड कोई ना कोई न्यूमेरिकल 1-2 नंबर में या 3 नंबर में भी फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, तो यू आर टू मैनेज इट अकॉर्डिंगली। लैम्डा एच अपॉन एम बी के बराबर आपने निकाला, काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम बी स्क्वायर ई वी के बराबर होती है फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन,
आपने टू को राइट साइड पे शिफ्ट किया, एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर करके एम बी की वैल्यू निकाल ली, इस एम बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में सब्स्टिट्यूट कर दी, आपके पास ये बन गया एच। प्लैंक्स कांस्टेंट आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, मास पता है, सारी वैल्यूज इसमें डाल दो तो लैम्डा आपके पास 12.27 डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी, इतने एंगस्ट्रॉम्स बन जाता है। कई बार इस ई वी की जगह पर ई वी लिख दिया जाता है, दिस इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ द सेम रिलेशनशिप। और एक और फॉर्म है, उसमें आप 1/2 एम बी स्क्वेयर को 3/2 के बी टी से रिलेट कर देते हो, और इस रिलेशनशिप को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास विद ही ऑब्वियसली जो है ये पर्टिकुलर बेटे डिस्कशन करने के बाद ये सारे का सारा पैरामीटर बेटे जो है 3/2 के बी टी के साथ इक्वेट करने पे आपको ये √3 एम के बी टी मिल जाएगा। इसकी वैल्यू आप इक्वेशन नंबर वन में पुट करके लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 3 एम के बी टी अंडर रूट लिख सकते हो। सो बिफोर आई प्रोसीड विद एनीथिंग अदर, आदित्य, गुंजोत, क्षितिज, लक्ष्य, मानविया, सुप्रिया, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम वाली बात हो तो बताइए। आदित्य, गुंजोत, क्षितिज, लक्ष्य, मानविया, सुप्रिया, ठीक है बेटे, वेरी नाइस। इसके बाद कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर डेविसन एंड गार्नर एक्सपेरिमेंट बेटा, टू शो द वेव एंड पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। लेट अस बेटे कंप्लीट दिस, फिर चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा ये वाला, देन फिर कल का दिन देखते हैं, न्यूमेरिकल्स पे डिवोट करेंगे, और देन फिर हम इससे अगले वाला चैप्टर जो है एटॉमिक न्यूक्लियाई वो एक दिन के बाद वो स्टार्ट कर लेंगे बेटा। सो डियर चिल्ड्रन, यू कैन राइट डेविसन एंड गार्नर एक्सपेरिमेंट बेटा, डेविसन एंड गार्नर एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में बेटे एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ इस तरीके का रहता है, आपके पास एक फिलामेंट है जिस फिलामेंट पर आपने बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग की हुई है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा, और फर्दर मोर जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का बीम निकल रहा है इसको आप एक निकल क्रिस्टल इमेजिन करते हैं, दिस इज द निकल क्रिस्टल, इट इज कट अलोंग द क्यूबिकल एक्सिस, ये आपका निकल क्रिस्टल है, और ये इसके बेटे जो है इसके अंदर एटम्स की जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स कुछ इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो, और इलेक्ट्रॉन बीम जब यहां पर आके स्ट्राइक करेगा तो इसकी स्कैटरिंग होगी बेटा, स्कैटर करेगा इलेक्ट्रॉन बीम। ये एंगल पर मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन बीम स्कैटर होने के बाद आप इस इलेक्ट्रॉन बीम को स्टडी करना चाहते हैं, और यहां पे आपने डिटेक्टर लगा रखा है, से दिस इज द डिटेक्टर, और इस एंगल को आप बोल दीजिए स्कैटरिंग एंगल फाई। ये डिटेक्टर आपका बेसिकली ऐसे रोटेटेबल होता है, आप रोटेट कर सकते हैं चारों तरफ इसको, जिस भी जगह पर आपको इंटेंसिटी स्कैटर्ड बीम की निकालनी है आप इस डिटेक्टर को रोटेट करके उस जगह पर सेट कर लीजिए, आपको वहां पर इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब बेटी मैं ये जो क्यूबिकल इसके एक्सिस हैं इनको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, जितना एंगल ये वाला है उतना ही एंगल आपका ये वाला भी है, थीटा है, और आपके इस केस में थीटा प्लस फाई प्लस थीटा दिस इज 180 डिग्री, ट्वाइस थीटा प्लस फाई 180 डिग्री, और जब भी आप बात करोगे बेटे यहाँ पर वर्कआउट करने की अपने इंटेंसिटीज की वैल्यूज को, ये मैक्सिमम हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम स्केटरिंग के लिए आप एंगल फाई को नोट करने वाले हो, फाई आपका जब 50 डिग्री होता है तब आपका बेटे जो स्केटर्ड लाइट है
इसकी इंटेंसिटी बच्चों मैक्सिमम रहती है। अगर आप यहाँ पे 50 डिग्री पुट कर दोगे, दिस इज 180 ट्वाइस थीटा, दिस इज 130 थीटा, 65 डिग्री के बराबर आ जाएगा। मतलब ये जो ग्लांसिंग एंगल है ये आपका यहाँ पर 65 डिग्री आपको मिल गया। बेटे हमारे पास एक ब्रैग्स इक्वेशन है, ब्रैग्स इक्वेशन, इसके अकॉर्डिंगली लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। आपका बेटे सेकंड ऑर्डर डाइफ्रेक्शन के लिए, बिकॉज हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो 1 हम यहाँ पे ले लेंगे। थीटा आपने ये निकाला, डी आपका बेटे दो एटम्स की लेयर्स के बीच में स्पेसिंग को बोलते हैं, और ये आपका 0.91 एंगस्ट्रॉम्स। निकल क्रिस्टल के केस में दो एटम्स की कंसेक्टिव लेयर्स के बीच में इतना सेपरेशन होता है। पुट कर दीजिए, लैम्डा आपके पास आ जाएगा 1.65 एंगस्ट्रॉम्स आफ्टर मेकिंग ऑल द नेसेसरी कैलकुलेशंस। थीटा आपने पुट कर दिया, डी आप पुट कर देते हैं। इसके बाद बेटे आपके पास बात आ जाती है डी ब्रोगली वेवलेंथ की। डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा के लिए आपने इक्वेशन अभी अभी डिराइव किया था, डी ब्रोगली इक्वेशन, इसके अकॉर्डिंगली लैम्डा आपका 12.27 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी एंगस्ट्रॉम्स के बराबर है। आप क्या करिए, बी की वैल्यू निकाल लीजिए। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच इलेक्ट्रॉन इज विद ए इलेक्ट्रॉन बीम, जो आपका जो है इसको आपने इंजेक्ट किया है। लेट मी कंसंट्रेट, दिस इज फोकस, सॉरी फिलामेंट, निकल क्रिस्टल, डिटेक्टर, ग्लांसिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल। बेटे हम अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ये दो तीन ग्राफ्स प्लॉट किया करते हैं। ये वर्टिकल एक्सिस है, इनके अलोंग आपने इंसिडेंट बीम लिया, इंसिडेंट बीम इलेक्ट्रॉन्स का, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स अप्रोच कर रहे हैं। जब आप 44 वोल्ट के बराबर का पोटेंशियल डिफरेंस रखते हो दोनों टर्मिनल्स के बीच में, ये जो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स आपने ओरिजिनेट करवाए हैं, इनको अगर आप 44 वोल्ट पे अंडर पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर एक्सेलरेट करते हो तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का बन जाता है, और ये पीक नहीं बनती। फिर आप इसको 48 वोल्ट कर दीजिए वोल्टेज को, और आपका जो ग्राफ है डियर चिल्ड्रन, ये इंसिडेंट बीम जो है ये कुछ इस तरीके की शेप लेने लगता है। इसमें अब एक क्लियर शेप जो है आफ्टर स्कैटरिंग ये बनने लगती है। 54 वोल्ट जब आप बेटे पोटेंशियल डिफरेंस कर देते हो, दिस इज द इंसिडेंट बीम, और ये देखिएगा इस केस में आपका जो ये इंटेंसिटी है इट बिकम्स बिटवीन मैक्सिमम इन दिस वे, और ये एंगल आपका जो है इस सिचुएशन में बेटा, इस एंगल की आप बात कर रहे थे कि जब आप एंगल अपना 50 डिग्री रखते हो जो आपने निकाला था 54 वोल्ट पर, आपका इंसिडेंट बीम इसकी स्कैटर्ड इंटेंसिटी बच्चों मैक्सिमम है। तो ये 54 वोल्ट के बराबर आपके पास आ गया, लैम्डा विल बी 12.27 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 54 एंगस्ट्रॉम्स। अगर आप सॉल्व कर लोगे 1.67 एंगस्ट्रॉम्स के बराबर आपका जो वेवलेंथ है ये आ जाता है। ये रिजल्ट आपका पार्टिकल नेचर से है, ये वेव नेचर से है। तो ये देख लीजिए कि आपके दोनों रिजल्ट्स बेटे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही आ रहे हैं। सो दिस मीन्स दैट बेटे आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये ड्यूल नेचर पोजेस करता है, इट बिहेव्स लाइक पार्टिकल एज वेल एज बेटे लाइक द वेव। सो डेविसन एंड गार्मर एक्सपेरिमेंट इन दोनों नेचर्स को कंफर्म करने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। मैं विद इन ए मिनट आपको एक बार सारी डिटेल बेटा फिर से जो है वो बता देता हूँ। इसमें है क्या, आपके पास एक फिलामेंट है, इसके ऊपर आप जनरली बेरियम ऑक्साइड कोट कर देते हैं।
बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स का मिशन जरा जल्दी हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स का बीम आपका जो है आपने कन्फाइन करके निकर क्रिस्टल पे को ये जो है स्ट्राइक करवाया, इसको क्यूबिकल एक्सिस के लॉन्ग कट किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्कैटर्ड बीम है, डिटेक्टर है। जब आपका फाई 50 डिग्री है देन बेटे आपका जो है इसका मैक्सिमम इंटेंसिटी नोटिस किया गया है इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली। थीटा आपने निकाल लिया, ब्रैग्स इक्वेशन में थीटा पुट कर दिया, आपके पास वेवलेंथ लैम्डा 1.65 एंगस्ट्रॉम्स है, ये बन गया वेव नेचर को, पार्टिकल नेचर को कंफर्म कर देता है। इसके बाद आपने डीप डॉगलाई वेव इक्वेशन जो है ये इमेजिन कर ली, इसमें भी ये आपका जो 54 वोल्ट वाला है सब्स्टिट्यूट किया और आपके पास ये रिजल्ट आपको मिल गया। सो इन दिस वे बेटे आप ये सारे का सारा डिस्कशन कंप्लीट कर सकते हो। विद दिस आपके चैप्टर का थ्योरी पार्ट जो है बेटे दैट इज ओवर। आदित्य, गुंजोत, क्षितिज, मानविया, सुप्रिया, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए। आदित्य, गुंजोत, क्षितिज, मानविया, सुप्रिया, मे आई होप सारे बच्चों को क्लियर है बेटा। ओके बेटे, वेल सो नेक्स्ट टाइम फिर बेटे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू ऑल बेटा, विद दिस जस्ट एंडिंग द मीटिंग, थैंक यू ऑल।